देखिए उस दिन संडे का दिन था और ये लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा, 3:30 या 4 बजे के बीच में वो निकली और बोली कि मम्मी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। उनके उस टाइम पे उनके पापा की दोपहर से ड्यूटी चलती थी 10 बजे तक। तो हम अपना जो भी हमारा काम होता था, खाना पानी जो भी इनको ट्यूशन ले भेजना ले आना अपना हम करे, और धीरे धीरे अपन 8-8 बज गया। तो उस टाइम पे एक फ़ोन उनके पास होता था, एक फ़ोन उनके पापा के पास होता था। तो फिर भी बेटे से हमने फ़ोन करवाया कि बेटा देखो कि दीदी आई नहीं। बोला कि अच्छा मम्मी करते हैं। तो एक दो बार फोन किए, लगा नहीं। एक बार फोन लगा भी तो जैसे लगा कि एक ही 2 घंटी बजी, जैसे फोन या गिर गया या कोई छीन लिया हो। उसके बाद फिर दोबारा नहीं लगा। हम कई बार अपने जो हमारा स्टैंड है वहाँ पर जा, कभी बच्चे जाते थे, कभी खुद मैं गई खड़ी रही, शायद लेट हो गया होगा। लेकिन करते करते समय 10 बज गया। ये जब फिर ड्यूटी से आए तो हम लोग रोड पे ही बाहर खड़े थे, तीनों आदमी। बोले कि बाहर इस टाइम क्यों खड़े हो तुम लोग ठंड में? तो हमने कहा कि ड्यूटी नहीं आई। तो ये भी फ़ोन करने लगे लेकिन फिर फोन स्विच ऑफ जाने लगा, नहीं मिला। अभी हम लोग बाहर ही खड़े थे, उस टाइम 11 आसपास होगा, टाइम तो नहीं देखे। तो फोन आया सफदरजंग हॉस्पिटल से कि मैंने आप कौन बोल रहे हैं? तो इन्होंने ये बोले कि हम अपना नाम बताए कि हम बद्रीनाथ सिंह बोल रहे हैं। तो बोले कि बेटी है? तो इन्होंने बोला कि हाँ। क्या हुआ? तो बोले कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाइए को चोट लग गई है। तो ये अपने दोस्त के साथ बाइक पे फटाफट निकल लिए। अब बोले कि मैं फ़ोन चलो फ़ोन करता हूँ तो आप आओ। फिर भी मैं भी तैयार थी कि चल हम भी सफदरजंग निकलते हैं। तब तक इनका फ़ोन गया कि जल्दी आ जाओ, की हालत बहुत ख़राब है। फिर हम भी आ गए। जब हम भी आ गए तो उसको सब एक्सरा उक्सरा करके वो लोग लेके जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, इन्होंने साइन कर दिया था। जब हम आए तो फिर फटा उसको लेके आए हुआ ऐसे ही कि मम्मी आई हैं। तो जब उन्होंने आँख खोला तो रोने लगी। तो मैंने बोला कि बेटा हम आ गए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हालत हमने देखा उसकी, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था और जैसे लगता था कि जंगलों से खींच के लाई गई हो। उस टाइम हमें नहीं पता था कि के साथ इतना कुछ हुआ है। ये तो पता लग गया कि नहीं, 6 लोगों ने इसके साथ क्राइम किया है। लेकिन जैसे लगता था कि उसको कहीं जंगल उसे खींच के लाया गया हो। ये ओठ का 2 भाग, ये सारे खाल निकली हुई थी। मैंने पूरा शरीर जैसे लगता था कि फटा है, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से मांस दिख रहा है। फिर थोड़े देर में लेके चले गए लोग हॉस्पिटल में और ऑपरेशन उनका शुरू हो गया। टाइम क्या तो मुझे नहीं पता क्या टाइम हो रहा था। हमें तो एक शॉक सा लग गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इसी बीच जो डॉक्टर वहाँ थे ऑपरेशन में, कई डॉक्टर थे, जो उसमें से सीनियर डॉक्टर आके कहे कि उन्होंने बोला कि सॉरी मुझे 20 साल हो गया इस पेशे में काम करते हुए, मेरे पास बहुत सारे केस आए, कई लोगों का हमने जान बचाया, लेकिन मेरे पास ऐसा कभी नहीं केस आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जोड़ूं। जो हमारे अंदर 20-22 फुट की आंत होती है, 1 फुट भी साबुत अंदर नहीं है, से कभी भी कुछ हो सकता है। फिर भी हमने इंतज़ार किया, होश आया। जब तक सांसें चलती रही तब तक आस था कि नहीं शायद ठीक
ठीक हो जाएंगी। हला डॉक्टर ने पहले हमें आश्वस्त कर रहे थे कि देखिए कि ऐसी हालत है, 2-4 दिन 2-4 घंटे कि बहुत मुश्किल है, अगर भगवान ही कोई चमत्कार करेगा तो ही बचेगी। लेकिन फिर भी जब तक जिंदा थी तब तक आस था कि क्या पता ठीक हो जाए। जब उसको होश आया उसने पानी मांगा, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं दे सकते पानी की, इन कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो हम इनको एक चम्मच पानी दे सके। उन्होंने खाना भी कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। एक बार तो उन्होंने ऐसा इशारा किया कि मैंने किसी चुपके से मुझे थोड़ा सा खिला दो, लेकिन मैं नहीं खिला पाई। मुझे हर वक्त ये तकलीफ रहती है, आज भी ये तकलीफ हमें जीने नहीं देती है कि बच्ची जिंदा तो थी जो भी 12 दिन 10 दिन, लेकिन इस दुनिया से एक बूंद पानी के लिए तरस गई। उससे भी बड़ा दुख हमें अब हो रहा है, जिस तरह से 2012 में लोग हमें नहीं जानते थे, उसको नहीं जानते थे, एक साथ सब लोगों ने आवाज उठाई, देश दुनिया में प्रदर्शन हुआ, लगा सारे चीजें बदल जाएगी। हमें भी लगा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं उस टाइम पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, हम तो यही सोच रहे थे कि नहीं किसी तरह बेटी ठीक हो जाए। तो एक दिन, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी जो सर्जरी हुई थी ओपन सर्जरी थी, मैंने हर दूसरे तीसरे दिन पता नहीं ऑपरेशन होता था क्या होता था, धुलाई होती थी। तो इसी में जब बेहोश हो रहती थी तो हमें डर लगता था। तो एक दिन रो रहे थे तो डॉक्टर बोले कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। वो जब ले गए तो मैंने देखा कि बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी पानी की बौछारें चल रही हैं, गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, ठंड की रात है। बोले कि देखो अकेले आप नहीं हो, इसलिए इतने लोग रात में प्रदर्शन कर रहे हैं कि को इंसाफ मिले ठीक हो जाए। मुझे भी लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्ची चली गई, हमने अपने आप को खड़ा किया, और इन 7 सालों में मैंने कभी किसी से, किसी नेता से, किसी मंत्री से कभी नहीं मुंह खोला कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे इंसाफ मांगा। लेकिन इन 7 सालों में जब तक केसे अदालतों में थी, लोअर कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था, तो सोचती थी चलो हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया तो हमने कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, अब इंसाफ मिल जाएगा। फाइनली जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट से केस निकल गई, उनकी रिव्यू 18 में खारिज हो गई, 2-3 महीना हम इधर उधर भागे, क्योंकि इन 7 तो साल में जज बेशक छुट्टी पे गए हो, डेट बेशक मिस हो गई हो, लेकिन कभी भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और आज तक मैंने एक भी डेट मिस नहीं की। इन 7 साल में मैंने घर परिवार से अलग होके इस केस को लड़ा, किसी के शादी में किसी के फंक्शन में नहीं गई। मुझे कानून पे विश्वास था कि नहीं जिस तरह से बच्ची के साथ क्राइम हुआ है उस तरह से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। फाइनली जब उनकी रिव्यू खारिज हो गई, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं कई जगह गई, लेटर दी, दिल्ली सरकार में गई, केंद्र सरकार में लेटर लगाई, जब कहीं से मुझे कोई सहारा नहीं मिला, फिर हमने 2018 दिसंबर में ही पटियाला कोर्ट में अप्लीकेशन लगा दिया। 6 महीना इसी तरह कोर्ट में भागती रही, दौड़ती रही दोनों वकीलों के साथ, सीमा कुशवाहा हैं और जितेंद्र सर झा हैं, दोनों वकील हमारे साथ जाते आते रहे। कभी जज छुट्टी पे थे, कभी 3-3 महीने कोटी नहीं लगती थी। फाइनली हम
उसी पटियाला हाउस कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस लेके गए कि सर इस कोर्ट में जज नहीं 3 महीने से बैठ रहे हैं, हमारी केस को टरासफल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज ने फौरन 2-3 दिन में ट्रांसफर कर दिया, और जो जो जिस कोर्ट में अभी केस चल रही है उसमें आ गया। फाइनली ये जो आज केस पोस्टपोन है, जो जज इस टाइम पे सुनवाई कर रहे हैं, छठवें जज हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों ने बेटी के साथ क्राइम किया, जो लोग अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा मिली हुई है, और उनके वकीलों द्वारा हमें इतना जलील होना पड़ेगा, उनके परिवारों द्वारा हमें इतना जलील होना पड़ेगा कि नहीं, वो हमें जगह जगह गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि हमें फंड मिलता है, पॉलिटिक्स मदद करती है। मुझे कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने सिस्टम से, अपने ही देश में, अपने ही सरकारों के बीच में हमें इतना जलील होना पड़ेगा। जिस तरह से फांसी पोस्टपोन होती है, जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, इन 7 साल में कभी हम उनके परिवार वालों को कभी कुछ नहीं कहा, कभी तू तक नहीं बोली मैं। लेकिन हमारी स्थिति आज ये है कि जब कोर्ट से बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है। वो पीछे से प्रदर्शन करते हैं हमको, हमारे वकीलों को गाली देते हैं और हमें शराब देते हैं कि नहीं, भगवान करे तुम मर जाओ। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहती हूँ कि मैं मरने से नहीं डरती हूँ। मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारे बेटी के साथ इन छोल लोगों ने क्राइम किया और बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई। मरते मरते उसने अपने बयान में भी कहा, उसने यही कहा कि उनको फांसी तो क्या, जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि निर्भया को चीकू को भूल गया, हमारे सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, दो दो तीन तीन साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिला। अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो सिस्टम में काम नहीं हुआ है। जब जब घटनाएं हुई, जब जब चैनल पे डिबेट हुए, पार्लियामेंट में बहुत ऊंची आवाज में कहते हैं कि नहीं फांसी होगी, अरे क्राइम होगा बच्चियों के साथ तो फांसी होगी, निर्भया के मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए, कोई कहता है कि रोड पे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन मैंने तो इस कानून के तहत उनको फांसी मांगी थी। मुझसे उनसे घृणा होती थी, मैं गुस्सा भी नहीं आता था, लेकिन मैं कभी उनको नजर उठा के नहीं देखती थी, क्योंकि जैसे लगता था कि इन्हीं हाथों ने उसके साथ उस मारपीट की। क्योंकि जब मैं उसको होश आया तो उसने यही कहा कि मम्मी बहुत मारा, इसके उससे ज्यादा उस कुछ कह नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर है कि मम्मी बहुत मारा। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे वही वही उसका कटा पिटा चेहरा, वही उसकी हालत, जो वो सांस लेती थी तभी भी उसको तकलीफ होती थी। कई बार मेरे सामने, क्योंकि उसका शरीर में खून नहीं था, ब्लड चढ़ता रहता था लेकिन ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता था उसका से, कई बार मेरे सामने उसने खून की उल्टियाँ करी, आँख पे हाथ रख के डॉक्टर मुझे पीछे खींच लेते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं कैसे इनको माफ कर सकती हूँ, कानून इनको कैसे माफ कर सकता है, हमारा समाज इसको कैसे भूल सकता है। तो इसलिए इनको फांसी होना जरूरी है कि अब और ऐसे बच्चियों के साथ क्राइम नहीं ना हो। देखिए ये बहुत सच्चा सच्चा और कड़वा सच है, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है और ना ही कभी आएगी। लेकिन हमारी जो भी लड़ाई है देश के बच्चियों के लिए है, तो मुझे न्याय व्यवस्था पे बेशक मैं टूटती हूँ, रोती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में मुझे विश्वास है कि अगर इनके संविधान में सजा है, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, जरूर मिलेगी। और सिस्टम को, हमारे न्याय व्यवस्था को, सरकार को इनको देना पड़ेगा। जिस दिन उनको फांसी होगी, जिस दिन वो फांसी पे लटक जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं मैं जो एक माँ हूँ तो मैं उसको इतना हक से कह पाऊंगी कि बेटा जो भी तेरे साथ क्राइम हुआ मैंने तुमको इंसाफ दिलाया, तुम्हारे सिस्टम से तुमको इंसाफ मिला। और ये ही नहीं है कि ये हमारी लड़ाई है, हमें इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। जो लोगों ने हमको नहीं जानते थे, डंडे खाए, पानी की बौछारी सहे, तो सबको इंसाफ मिलेगा। कहीं ना कहीं इनकी सजा ही हमारे समाज में एक संदेश स्थापित करेगी और उन महिलाओं को मन में एक कानून के प्रति विश्वास जगेगा कि निर्भया को इंसाफ मिला, हमें भी मिला। क्योंकि कई बार कई लोग हमारे पास आए हैं, कई केसे हैं जो हम लोगों ने उसमें हेल्प करी, कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है। सबको यही आशा है कि इनको फांसी की सजा होगी तो हमें भी इंसाफ मिलेगा। तो ये इंसाफ सिर्फ निर्भया का नहीं होगा, पूरे देश के बच्चियों को होगा। मैं जो 16 दिसंबर को रात को गई वहाँ घर से, मैं 30 तारीख को सिंगापुर से उसकी लाश लेके घर वापस गई। उसके बीच में मैं कभी घर नहीं गई, तो हमेशा मैं उसके पास रहती थी, थोड़े देर के लिए इधर उधर बाथरूम वाथरूम जाना, कहीं भी जाना जाती थी, बाकी उसके टाइम साथ रहती थी। मुझे बात नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था, क्योंकि वो इतने उसको सारी नलियाँ कुछ कुछ लगा हुआ था तो उतनी बात नहीं कर पाती थी। लेकिन इतना ज़रूर पूछती थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे हमने नहाया नहीं, जिस कपड़े में थी चली गई थी, तो पूछती थी मैंने कैसे हो। हम कहते थे ठीक, मैं पूछती थी, कहती थी ठीक है, मुझे इशारे से कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो। लेकिन डॉक्टरों से यही बोली कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए, भाइयों के लिए जीना चाहती हूँ। लेकिन इन दरिंदों ने ऐसी हालत कर दी कि मुझे तो पहले दिन ही बता दिया गया था कि मैंने ये ठीक नहीं होगी। बेटी की उम्र 23 साल की थी जब घटना हुई थी, मैं 22 साल की दिल्ली में आई थी शादी करके, और तब से मैं दिल्ली में रहती हूँ। बच्चों का जन्म ही यहीं हुआ था, बेटी का जन्म ही यहीं हुए, पढ़ाई यहाँ हुआ, कि पैरा मेडिकल उसका देहरादून से हुआ था। लेकिन कानून मैं इसलिए जान गई कि मैंने अभी बताया कि जज छुट्टी पे गए होंगे, वकील ने केस मिस किया होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, मैंने हर डेट पे आई हूँ, आज भी आती हूँ। मैं कुछ कोर्ट में बोलती नहीं हूँ, चुपचाप खड़ी रहती हूँ, लेकिन सुनती रहती हूँ। और इन 7 साल के अनुभव में ही मुझे पता चल गया आ कि नहीं, हमारे कानून में कितनी कमियाँ हैं, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ और समझती रहती हूँ। आज जिस तरह से कानून में कमियाँ हैं, जिस तरह से इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हमारी कानूनी व्यवस्था है ना। अगर वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस्तेमाल करने का मौका हमारा कानून ही दे रहा है ना। तो इसलिए हमें पता चला कि नहीं, ये कानून को बदलना बहुत जरूरी है। उसने पैरा मेडिकल का कोर्स 4.5 साल पूरा कर लिया था, फाइनल पेपर दे के वो नवंबर एकदम लास्ट वीक में आई थी। उसके पापा भी लेने गए थे, ले ओके बुक वुक बहुत सारे लाए थे, क्योंकि 1 जनवरी को उसका रिजल्ट आना था और उसको इंटर्नशिप करना था, इसीलिए वो दिल्ली में आई थी कि मम्मी दिल्ली में रहूंगी, दिल्ली में इंटर्नशिप करूंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी मौत यहाँ खींच के लाई है। कई बार मैं सोचती हूँ शायद आई ही नहीं होती, तो इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं अपने सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, खास कर अपने राष्ट्रपति जी से, अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं इस केस इस घटना से जूझ रही हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको भी धोखा देती हूँ कि नहीं आपको इंसाफ मिलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी भी इस कानून को बदलिए, इस कानून को सख्त करिए और एक समय बाउंड करिए कि जो भी ऐसे केसे हैं लोगों को इंसाफ मिले, उन
लोगों के मन में डर हो जो बच्चियों के साथ ऐसा क्राइम करते हैं, और लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे। आखिरकार ताहिर हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक पर उसके इंटरव्यू को देखकर खलबली मची, पुलिस में हड़कंप मचा और सरेंडर करने चला था जो ताहिर हुसैन, उससे पहले ही पार्किंग एरिया से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये चल रहे हैं आपको ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर में, और दिखा रहे हैं वो नजारा। ये तीन पेट्रोल बम्स यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। आखिर ताहिर हुसैन हो गया गिरफ्तार। कोर्ट की पार्किंग से ताहिर हुसैन को उठा ले गई पुलिस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर हुसैन को आज तक पर देखते ही मच गई खलबली। कहाँ थे आप इतने दिन तक, कहाँ थे आप? देखिए मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर। दिल्ली ही थे या अलग जगह? मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ। दो तीन दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। ताहिर हुसैन गया था सरेंडर करने और हो गई गिरफ्तारी। हम लोग अब सरेंडर करने जा रहे हैं, जो भी जिस तरह की भी जांच में सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। खजूरी खास के ताहिर हुसैन के घर की छत से बरसते इन पेट्रोल बम के वीडियो ने उसे दंगों का आरोपी बना दिया। नहीं, वो 24 तारीख की वीडियो है जिसमें मैं खुद जो है, ये दो बार हुआ है। एक 24 तारीख को जो है दरवाजा तोड़ गया, गेट तोड़ के लोग ऊपर चढ़े हैं, जिसमें मैंने आज तक को भी फोन किया था, पुलिस से मदद मांगी थी। उसी वक्त मेरे हाथ में डंडा, और डंडे से मैं लोगों को नीचे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। खजूरी खास में ताहिर हुसैन की घर के छत से मिले पेट्रोल बम, एसिड की थैलियों और गुलेल ने ताहिर हुसैन को दंगाइयों की लाइन में खड़ा कर दिया। ये देखिए, तमाम पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है, और ये एक बार फिर से पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई, और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। ये तीन पेट्रोल बम यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडों में बिल्डिंग को ले लिया था। सारा मामला 25 तारीख का है। अब उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुंचे, कैसे सामान पहुंचा, कैसे मेटल पहुंचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या पर बिलखते उसके परिवार ने ताहिर हुसैन पर अपने बेटे की हत्या के सनसनीखेज आरोप लगाए, तो ताहिर फरार हो गया। वो ताहिर हुसैन के घर से निकले थे, ताहिर हुसैन के यहाँ से आके उन्होंने मेरे भाई को किडनैप किया और वहाँ ले जाके उसको मारा और फिर उसको नाले में फेंक दिया। इन तमाम संगीन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए पार्षद ताहिर हुसैन जैसे ही आज तक पर इंटरव्यू देने आए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का माथा ठनका। आज तक से ताहिर हुसैन सरेंडर की बात कर रहा था और ये बता रहा था कि वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं। मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। और पुलिस ने कोर्ट की पार्किंग में ही ताहिर हुसैन को दबोच लिया, ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है, और ये जो गाड़ी है इसमें लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो निकल रही है। आज हम आपको ताहिर हुसैन का आज तक को दिया पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ताहिर ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई थी। इस पर जज ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है और अर्जी खारिज कर दी गई। ताहिर के वकील ने सरेंडर की अर्जी पर सुनवाई में कहा कि कोर्ट या तो कोई ऑर्डर कर दे या फिर किसी दूसरी कोर्ट में अर्जी को ट्रांसफर कर दे। ताहिर हुसैन के ऊपर दिल्ली हिंसा से जुड़े 3 केस दर्ज हैं। पूनम शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। गिरफ्तारी से पहले आज तक पर चला था इसी ताहिर हुसैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आइए आपको सुनाते हैं ताहिर हुसैन ने अपनी सफाई में क्या कहा, कैसे उसने पुलिस के दावों को एक तरफ करते हुए कहा कि वो घर में मौजूद नहीं था।
ताहिर हुसैन हमारे साथ हैं जिन्होंने अर्जी लगाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। खुद ताहिर हमारे साथ हैं। ताहिर बताइए क्यों सरेंडर अप करने की आपने सोची? देखिए मैं बिल्कुल बेकस हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और क्योंकि हमारे कानून ने हमें इजाजत दी थी कि हम अपने वकील से मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, इसलिए कल हमने कड़कड़डूमा कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी। जिस तरह की भी जांच में सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा, बशर्ते जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सच्चाई ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं करेगी, क्यों लग रहा है आपको? जैसे मैंने 24 तारीख को वहाँ से निकल गया था, खुद पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने अपनी फैमिली के साथ निकला था, और उसके बाद मेरा उस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने अपने कंट्रोल में बिल्डिंग को ले लिया था, मकान को ले लिया था, और जो भी वारदात हुई है 25 तारीख शाम को हुई है, और उसके बाद भी तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके घर को कोई क्यों इस्तेमाल करेगा आपके अलावा? सवाल तो ये है, जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे हैं कि लोग अपने ही घर में नहीं रह पा रहे, वहाँ किसी दूसरे के घर के इस्तेमाल क्यों किया जाएगा दंगे की सामग्री रखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? देखिए जैसे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो बीच में है, एक तरफ उसमें हिंदू पक्ष के लोग हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, और मैं जो 24 तारीख को लगातार पुलिस को मैंने फोन किए थे, बहुत ज्यादा मैंने रिक्वेस्ट की थी, सब लोगों से मदद मांगी थी, जिसमें काफी घंटों के बाद पुलिस वहाँ पहुंची थी, उसके बाद पुलिस ने खुद हमको वहाँ से फैमिली के साथ निकाला था, और मैंने उस वक्त भी रात को यही कहा था, जब रात को पूरे घर की तलाशी भी ली थी खुद पुलिस के आला अधिकारी के सामने और हिंदू पक्ष के लोगों ने साथ में तलाश ली थी, तो उस वक्त मुझे यही डर था कि मेरे मकान का बिल्डिंग का कोई भी मिसयूज कर सकता है, कोई भी पक्ष उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन वही के जो आपके रहने वाले पड़ोसी हैं उन्होंने ये कहा कि आपके घर के अंदर आपके बुलाए हुए लोग अंकित को घसीटते हुए ले गए और 400 शव जो है उसमें 400 घाव मिले। देखिए मतलब ये तो जांच में ही मालूम पड़ेगा। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडओवर बिल्डिंग को ले लिया था, और सारा मामला 25 तारीख का है। अब उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुँचे, कैसे सामान पहुँचा, कैसे मेडल पहुँचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। मतलब आप या आपके लोग वहाँ नहीं थे आपके घर में? जी नहीं, मैं भी नहीं था, मेरा परिवार का भी कोई आदमी नहीं था, जो भी थे सिर्फ दंगे थे, वो दंगे किसी भी मजहब के हो सकते हैं। मैं इस बात पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है या कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, उसमें आप दिख रहे हैं? नहीं, वो 24 तारीख की वीडियो है जिसमें मैं खुद जो है ये दो बार हुआ है, एक 24 तारीख को जो है दरवाजा तोड़ गया, गेट तोड़ के लोग ऊपर चढ़े हैं, जिसमें मैंने आज तक को भी फोन किया था, पुलिस से मदद मांगी थी, उसी वक्त मेरे हाथ में डंडा, और डंडे से मैं लोगों को नीचे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें भागे भी, उसमें मैंने कंट्रोल भी किया है। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किस तरह का भी, लेकिन ये जितनी भी वारदात है ये खतरनाक वारदात जो है, जो भी वहाँ सामग्री दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की है, और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। अच्छा ये बताइए, जो आपकी पूरी कॉलोनी में, आप कब से रह रहे हैं? मैं वहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 97 से रह रहा हूँ। 97 से मतलब आपने बहुत बड़ा वक्त, 20 साल से ऊपर, 2 दशक से ऊपर का वक्त आपने वहाँ बिताया है। आपने बाद की स्थिति भी देखी होगी, क्या हो गई है, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों की मौत हुई है, ये स्थिति को कहीं आपको लगता है कि आप भी कसूरवार हैं? मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी जान की भीख मांगी, मैंने खुद बार बार पुलिस को 100 नंबर पर फोन किया, एक मरतबा नहीं 5-6 मरतबा फोन किया है। मेरे एक सीनियर नेता ने कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे DCP सूर्या जी हैं, उनसे भी बात कही थी 24 तारीख को, और 24 तारीख को वहाँ से जो है हम लोग 11 बजे के आसपास खुद पुलिस के आला अधिकारी के सामने वो फैमिली के साथ निकल गए थे, उसके बाद जो भी वारदातें हुई हैं सब 25 तारीख को ही हैं। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने आपको तलाशने के लिए कोई आपके परिवार या घर के लोगों से बात की? मेरा कोई संपर्क परिवार के किसी आदमी से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश का कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। आप नार्को के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं खुद अपने परिवार की अपनी जान बचा के वहाँ से निकला हूँ, और खुद पुलिस वाले। कहाँ थे आप इतने दिन तक, कहाँ थे आप? देखिए मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर, दिल्ली ही थे या अलग जगह? दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ, 2-3 दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। उसके बाद में जब ये वकील से सलाह ली मैंने, वकील के पेपर पर तैयार किए थे, उसके संपर्क में था। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने खुद आपको अब निकाल दिया है, तो आपकी मुश्किलें तो दोहरी हैं, एक तरफ दंगे के चार्जेस लगातार आप पे FIR दर्ज होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अगर आप बेकसूर हैं तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों आपको छोड़ दिया? देखिए ये उनका निर्णय है, इसका जवाब वो दे पाएंगे, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि
पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ, मेरा अल्लाह मेरा भगवान जानता है, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं खुद अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ, जब इसकी निष्पक्ष जाँच होगी तो ये बात साबित भी हो जाएगी कि मैं वहाँ से वाकई में मैं खुद दंगाइयों से मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ। और दंगई किसी भी मजहब का हो, दंगई दंगई होता है। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार को लेकर दोबारा उस घर में जाएंगे या फिर रहने? सबसे पहले तो मैं निष्पक्ष जांच होके मैं बेगुनाह साबित हूँ। उसके बाद में मेरी कोशिश होगी कि जितने भी वहाँ के लोग हैं आसपास के, सब मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, वहाँ पे 6-7 साल हुए हैं। तो आपको उस इलाके को मेरी खुद की जिंदगी तबाह हो चुकी है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, वहाँ पे जाना माना चेहरा था, इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है, जो भी रहा है। आपके घर पे गुलेल से लेके बम तमाम चीजें वो मिली हैं और आप कह रहे हैं वो कपिल मिश्रा ने रखवाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साची सची गई तमाम चीजों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को, लेकिन ये ऊपर वाले क्रम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुंची 7-8 बजे, उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुंची, कैसे सामान पहुंचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना बड़ा दंगा दिल्ली में हुआ था, शाहरुख और ताहिर की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन बाकियों की कब होगी? शाहरुख की गिरफ्तारी शामली उत्तर प्रदेश से की गई है। इन सब के बीच पुलिस अब उसके पिस्टल की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही गिरफ्त में आया है शाहरुख, उसके बाद से उसने चुप्पी साध ली है, जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन ये सवाल कि आखिर सच तक, सबूतों के तह तक कैसे पहुंचेगी पुलिस? जाफराबाद में पत्थरबाजों के बीच पुलिस के सामने गोलियां चलाने वाला शाहरुख भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया और अब उसकी गाड़ी भी शामली से मिल गई है। और इस तरह दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के दो आरोपियों ताहिर हुसैन और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर हुसैन से पूछताछ अब शुरू होगी, जबकि शाहरुख से क्राइम ब्रांच पहले ही पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख ज्यादा नहीं बोल रहा। पुलिस बार बार शाहरुख से उस हथियार के बारे में पूछ रही है जिससे उसने गोलियां बरसाई थी। प्लानिंग के बारे में उससे जब पूछताछ की गई, पुलिस को उसने बताया कि वो दरअसल अकेला ही वहां पर पहुंचा था, उसके अंदर गुस्सा था और इसी वजह से उसने जाफराबाद में पहुंचकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो ये तमाम जानकारी अब पुलिस को मिल रही है। फिलहाल उसने ये भी बताया कि यमुना में उसने जो हथियार है वो फेंक दिया था। तो निश्चित रूप से ऐसे में अब 4 दिन जो पुलिस रिमांड है उससे पुलिस इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी, किस तरह से दिल्ली हिंसा में उसका रोल था, क्या वाकई वो अकेला था, कुछ और लोग थे, तमाम जानकारी पुलिस उससे एकत्र कर रही है और क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शाहरुख का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उसके पिता पर क्रिमिनल केस है। मानशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आखिर दिल्ली में हुई इस हिंसा की शुरुआत किसने की थी, कौन है इसके मुख्य सूत्रधार, कब तक उन तक पहुंचेगी दिल्ली पुलिस? ताहिर, शाहरुख ठीक है, लेकिन बाकियों तक कब पहुंचेगी पुलिस? शाहरुख गिरफ्तार हो गया, ताहिर हुसैन भी पकड़ा गया, अब बाकी कब? शाहरुख के बारे में कहा जा रहा है कि जाफराबाद की सड़क पर उसने 8 राउंड फायरिंग की। ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसके घर की छत से दंगाइयों ने पेट्रोल बम और पत्थर बरसाए। सूत्रों की माने तो दिल्ली हिंसा में काफी गोलियां चली हैं और कई लोगों की गोलियां लगने से मौत भी हुई। अब सवाल ये उठता है कि एक गोलीमार शाहरुख तो पकड़ा गया, जबकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ 4 गोलियां ही चलाई, उसकी पिस्टल में 8 राउंड गोलियां थी। तो फिर दिल्ली हिंसा के दौरान इतनी गोलियां किसने चलाई और गोलीमार कहां गए? ये सवाल दिल्ली पुलिस से भी है। हालांकि पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को भयानक हिंसा हुई, उसमें 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के हिंसा में सुलगने की कहानी 23 फरवरी से शुरू होती है, जब सीए के विरोध में प्रदर्शनकारी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गए। ट्रैफिक जाम हुआ तो सीए समर्थक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां एक भड़काऊ बयान दे दिया। दिल्ली
गाड़ी में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। इसके बाद सीए विरोधी और सीए समर्थकों के बीच जंग सी छिड़ गई और यही जंग हिंसा में तब्दील हो गई और दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली हिंसा के गुनहगार कौन कौन हैं और दिल्ली पुलिस उनको कब तक बेनकाब करेगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।